प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। सायरा में 3 अप्रैल 2022 को अंकित जोशी पर 5 पुलिसकर्मी व अध्यापक द्वारा मारपीट की गई, जिस पर विप्र सेना ने तुरंत कार्रवाई करने की मांग करते हुए थाने के घेराव करने की बात कही, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लेते हुए 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया, जिस पर विप्र सेना ने पुलिस अधीक्षक व उनकी टीम का धन्यवाद देते हुए कहा कि सायरा क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं आम बात हो गई हैं। इस पर पुलिस प्रशासन पूर्णतः जांच करवाकर उस क्षेत्र की जनता को इस समस्या से निजात दिलाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। विप्र सेना ने पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया और स्कूल अध्यापक इंदरलाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ऐसे पदों का दुरुपयोग किया जाएगा तो जनता किससे सहयोग की अपेक्षा करेगी। किसने करी? सुनील, मुकेश, धनराज, राहुल, और अध्यापक टीचर को रात को 3 बजे बुलाया गया थाने में और उसको भी बेल किया। उन्होंने मेरे को 2-3 बेल अच्छा फिर मुझे कैसा पानी मांगा मैंने पीने के लिए, तो कैसा पिला मैंने मजबूत किया। अच्छा, अब 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। न्याय दिया है, अच्छी बात है, खुशी न्याय मिला है। आज क्या मांग करना है आपने? बस ये ठीक है, और हमारा ये हाँ भाई साहब, बचाओ आपका आपने बताया साहब बताया। दिनांक 3 अप्रैल के दिन हमारे विप्र सेना के कार्यकर्ता हैं भाई निर्मल जोशी, ये वहाँ खड़े थे। एक पुलिस की गाड़ी आती है और उस गाड़ी के अंदर एक टीचर इंद्रपाल करके, वो इनको बियर मंगवाने के लिए मजबूर करता है और जब इन्होंने मना किया तो इनके साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद जब ये घर चले गए तो इनको वापस थाने से फोन करके कहा गया कि 2 मिनट के लिए थाने आ जा। ये थाने जब नहीं जा पाया तो आप आश्चर्य करेंगे, रात की 1 बजे घर से इसे उठाया और थाने में ले जाकर इस कदर मारा गया कि इस व्यक्ति का एक तो हाथ फ्रैक्चर हो गया और इतनी ज़बरदस्त धमकी दी गई, यदि तेने मुकदमा दर्ज कर लिया तो साले तेरे को छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद जब हमें पता चला तो मैं, हमारे साथ गोविंद जी दीक्षित, हमारे घनश्याम जी मनारिया, मोहन जी मनारिया, हमारी पूरी टीम के साथ हम सायरा गए। सायरा में जाकर जब हमने ये देखा तो वास्तव में ये लगा कि उस थाने के खिलाफ सायरा गाँव के अंदर लोग इतने भयभीत हैं। अब आप देखो वहाँ का पुलिस वाला 15,000 रिश्वत मांगता है, 10,000 रिश्वत मांगता है, राहगीरों को परेशान करते हैं। जब हमने वहाँ जाकर इतनी बात कर ली और हमने ये तय कर लिया था कि यदि न्याय नहीं मिला तो 17 तारीख के दिन हम थाने का घेराव करेंगे और सायरा भी बंद। उदयपुर से कमलेश परमार की रिपोर्ट।